फाइनली बिग बॉस के घर से अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर अब बिग बॉस के घर में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि आधी रात को शिव ठाकरे ने अब प्रियंका चौधरी से एक ऐसा वादा कर दिया है जिसको लेकर अब हर कोई हैरान है कि आखिर शिव अपनी सबसे बड़ी दुश्मन, मंडली की सबसे बड़ी दुश्मन प्रियंका चौधरी से इस तरह का वादा कैसे कर सकते हैं, जबकि शिव ने यह वादा ना तो सुंबुल टॉकर खान से किया है, ना ही निमृत कौर आलूवालिया से किया है, सीधा सीधा प्रियंका चौधरी से कर डाला है। ऐसे में आखिर क्या कहा है शिव ने प्रियंका चौधरी को, आज ये हर कोई जानना चाहता है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि इस हफ्ते फैमिली वीक स्पेशल में शिव ठाकरे की आई बिग बॉस के घर के अंदर आई हुई थी। शिव ठाकरे की आई ने शिव ठाकरे के साथ तो काफी अच्छा समय बिताया, लेकिन शिव के अलावा अगर किसी कंटेस्टेंट को शिव की आई पसंद करती है, शिव की आई ने शिव के अलावा अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ सबसे ज्यादा समय बिग बॉस के घर के अंदर बिताया है तो वो थी प्रियंका चहर चौधरी। जी हाँ, शिव की आई प्रियंका से काफी देर तक बातचीत करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका काफी अच्छी लड़की है, काफी समझदार है और प्रियंका गेम भी काफी अच्छी खेल रही है। ऐसे में अब आपको बता दें कि शिव ठाकरे ने प्रियंका चौधरी से एक बहुत बड़ा वादा कर डाला है। पहले तो आधी रात को शिव ठाकरे प्रियंका के साथ काफी लंबी चौड़ी बातचीत करते हुए नजर आए, जिससे ये अंदाजा हो चुका है कि अब फैमिली वीक के बाद कहीं न कहीं शिव ठाकरे प्रियंका चौधरी के करीब आ गए हैं और घर के अंदर कहीं न कहीं अब रिश्ते बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शिव ठाकरे ने प्रियंका से कहीं न कहीं ये वादा कर दिया है कि आने वाले हफ्ते में जब कैप्टेंसी का टास्क होगा तो शिव ना तो सुंबुल को कैप्टन बनाने का जोर लगाएंगे, ना ही निमृत का साथ देंगे, बल्कि सीधा सीधा प्रियंका चौधरी का साथ देने वाले हैं। वो प्रियंका चौधरी को ही घर की अगली रानी के रूप में देखना चाहते हैं और ये सब हुआ है शिव की आई की वजह से, क्योंकि शिव की आई जाते जाते शिव को ये कह गई थी कि प्रियंका काफी अच्छी लड़की है, इसलिए घर के अंदर इससे कभी भी मत लड़ना, ये तुम्हारी तरह ही है, ये हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचती है। शिव ठाकरे ने प्रियंका से ये भी कहा कि मुझे पता है कि हम दोनों के घर के अंदर काफी झगड़े हुए हैं, काफी झगड़े होते भी आए हैं, लेकिन वो सब एक गेम थी, वो सब एक गेम के लिए था, हमें उस चीज को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें कि शिव ने एक बड़ी बात भी प्रियंका चौधरी को कह दी है कि प्रियंका हमें तो पता ही नहीं चला कि यह सफर कितनी जल्दी कट गया और हम दोनों कितनी जल्दी फिनाले के इतने करीब आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ फिनाले में खड़ी रहोगी। जी हाँ, ये बड़ी बात बिग बॉस के घर के अंदर अब शिव ठाकरे ने कह डाली है। ऐसे में आपको दोनों की दोस्ती कैसी लग रही है हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।